हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपके साथ आज फिर से हाजिर हूँ एक और ग्रुप रीडिंग लेकर। तो यहाँ पर अब मैंने आज आपके लिए दो पिक्चर्स रखी हैं जो बहुत ही प्यारी पिक्चर्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रही होंगी नंबर 33 एंड नंबर 4। यहाँ पर इस नंबर 33 में है एक बहुत ही प्यारी सी की जो आप, मुझे उम्मीद है कि लेना चाहेंगे। और यहाँ पर है नंबर 4 जो एक बहुत ही खूबसूरत सा महल कह लीजिए, घर कह लीजिए, या कुछ भी कह सकते हैं, कैसल कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, जो आपको अच्छा लगता है उसे आप चूज कर सकते हो। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो इसके ऊपर है कि आप जिस यात्रा पर आए हो, जीवन यात्रा जिसे हम कहते हैं, हमारी नियत यात्रा, जो डेस्टिन्ड यात्रा है, जर्नी है हमारी, वो हमसे क्या कह रही है और वो क्या चाहती है। हम जब जिंदगी में कभी भी आते हैं, इस जीवन में कभी भी हम इस रूप में आते हैं जिसे हम इंसानी जीवन कहते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हर कोई जो भी इस दुनिया में आया है उसका कोई ना कोई मतलब है, उसका कोई ना कोई रीजन है, हर चीज का कोई ना कोई रीजन है। तो बिना रीजन के कुछ भी नहीं होता, तो हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है। इसके लिए ये यात्रा जिसको आप कर रहे हो, ये यात्रा का मतलब क्या है, आप किस लिए ये यात्रा कर रहे हो, तो रीजंस ढूंढते हैं। चलिए मिलके ढूंढते हैं आज रीजंस। जो भी आप यहाँ पर आए हैं, पहला पायल चुनेंगे तो मैं आपके लिए रीजंस ढूंढूंगी, सेकंड पायल चुनेंगे तो आगे आपके लिए रीजंस ढूंढूंगी। तो आपको एक पायल चुनना है और देखते हैं कि आपकी इस यात्रा का रीजन क्या है। ये टॉपिक बहुत ही यूनिक टॉपिक है और मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर आप इस जीवन में आए हैं तो इसके पीछे का क्या कारण है, क्या रीजन है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि जीवन चल तो रहा है पर वो किस डायरेक्शन में और क्यों चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, हीलिंग करती हूँ और बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज को यूज करती हूँ, पर ये जो मेरे लिए ये चुना है, ये भगवान ने चुना है, ईश्वर ने चुना है, डेस्टिनी ने चुना है, इसे मैंने नहीं चुना। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मैंने इसको छोड़ा और फिर से पकड़ लिया, छोड़ा फिर से पकड़ लिया, क्योंकि भाग्य ने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस को क्रिएट किया कि मुझे फिर से इसी प्रोफेशन में ला दिया, या प्रोफेशन कह लीजिए या मेरी हॉबी कह लीजिए। बहुत सारे रीजंस ऐसे इकट्ठा हुए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं चुनते, हमारी डेस्टिनी हमें चुनती है, हमारा भाग्य हमें चुनता है। तो ये मेरे साथ हुआ है, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसी बातें हुई हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जहां आपको लगता हो कि आपने इस काम को नहीं चुना जिसमें आप हो, आपके भाग्य ने आपको चुना है। आप में से बहुत से लोग होंगे ऐसे जो ये समझते होंगे, सोचते होंगे और कभी महसूस भी करते होंगे। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि अगर आपने भाग्य को नहीं चुना, भाग्य ने आपको चुना है, आपके काम को आपके भाग्य ने चुना है, तो बताइएगा जरूर। चलिए बात करते हैं अब रीडिंग की। आज की रीडिंग का जो हमारा टॉपिक है कि जिस डेस्टिनी में हम हैं, जिस भाग्य के रास्ते पर हम हैं, वो हमें क्या बता रहा है और क्या है ऐसा जो शायद आप भी नहीं जानते, रहस्यमय है, सीक्रेट है। तो चलिए आपके सीक्रेट्स को रिवील करते हैं और जानते हैं। चलिए पायल नंबर 1 आपकी बात करते हैं और जानते हैं, जिन्होंने भी नंबर 33 के इस कार्ड को चूज किया है या इस प्यारी सी गोल्डन की को चूज किया है, तो क्या है आपके लिए और क्या आपकी नियत यात्रा आपके लिए कह रही है, क्या चीजें आपके साथ चल रही हैं और कैसी जिंदगी आप जी रहे हो और इसके पीछे के रीजंस क्या है। तो चलिए जानते हैं। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं पायल नंबर 1 की, टैरो की मदद से देखते हैं कि क्या है आपकी जर्नी, क्या है आपके पीछे का रहस्य, सीक्रेट, सब कुछ देखने वाली हूँ। चलिए टैरो की मदद से देखते हैं, कनेक्टेड रहिएगा और अपने लिए अपने आंसर्स ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर है 10 of Pentacles, ओके, 9 of Cups। यहाँ पर दो एनर्जीज जो निकल कर आई हैं, सबसे पहले तो वही बहुत गोल्डन गोल्डन है, बहुत अच्छी रीडिंग मुझे लगता है होने वाली है। आप में से ना बहुत से लोग ऐसे हो जो एक राजा की तरह अपनी जिंदगी को बिताने के लिए आए हो, एक किंग की तरह अपनी जिंदगी को बिताने के लिए आए हो। बहुत ही अच्छी मुझे वाइब दिख रही है क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पास एक परिवार हो, आपके पास एक ऐसी जिंदगी हो जहां बहुत कंफर्टेबल हो, बहुत आराम से बस जियो और बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं चाहिए आपको अपनी जिंदगी में। आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो जहां
आपने तय कर रखा है कि ऐसा 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 अगर हो जाएगा तो आप उसमें खुश हो, सेटिस्फाइड हो। बस वो चलती रहती हैं चीजें और आप सेटिस्फाइड घूमते रहते हो। बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको अपनी जिंदगी से, कुछ जरूरत की चीजें और आपको एक सेटिस्फेक्शन, पीस ऑफ माइंड, बस ये चीजें हैं आपकी प्रायोरिटीज। और आप में से जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को चूज किया है तो मोस्टली लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हो और सेटिस्फेक्शन चाहते हो और चाहते हो कि बस शांति हो। इस जिंदगी को जीने के लिए आप आए हो। आप बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहते, बहुत बड़े बड़ी प्लानिंग्स नहीं करते। बस आपको लगता है कि लाइफ स्टेबल चलती रहे, खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप खुश हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये वाइब आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं पर सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप लोगों की ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। एक और कार्ड देखते हैं। चलिए, यहाँ पर है सेवन ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ और एनर्जीज भी मैं साथ साथ ही ले लेती हूँ, द हाई प्रिस्टस, एस ऑफ वॉन्ड। एक और कार्ड लेते हैं, द सन, वेरी गुड। तो चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, मैं कैमरा थोड़ा सा सेट करती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए सेवन ऑफ स्वॉर्ड कहता है कि बहुत बार, बहुत सारे धोखे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप कोई ऐसे इंसान नहीं हो जो भगवान के इतने बड़े, बहुत इतने ज्यादा क्लोज हो कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ। जो इंसान जीवन में आता है उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो पाइल नंबर वन तक पहुंचे हैं, आपके साथ भी बहुत बार बहुत सारे धोखे हुए हैं, पर आप एक स्टार हो, आप हमेशा चमकते रहते हो अपनी एनर्जी में। आप कभी भी ये फील नहीं करते कि किसी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया और आप परेशानियों में जिए। आप भूल जाते हो बहुत जल्दी और आप अपनी एनर्जी में लौट आते हो। तो ये जर्नी आपकी इस तरह की है और वाकई में आप एक ऐसी जर्नी को जीने के लिए आए हो जो आपको पीस दे रही है, शांति दे रही है। बहुत ही आराम से जीने वाले इंसान हो आप, बहुत स्टेबिलिटी में जीना पसंद करते हो। अगर कुछ भी स्टार्ट कर दिया, कुछ भी चीजें आपने स्टार्ट की हैं, तो उसको भी आप करने की कोशिश करोगे। मैं ये नहीं कहती हूं कि करने की कोशिश नहीं करते हो, पर आप बहुत स्टेबिलिटी के साथ धीरे 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 कोई भी काम करना है धीरे धीरे करते रहे और लॉन्ग टर्म के लिए करते रहे। आपने उसमें से बहुत कुछ निकालने की कोशिश नहीं की कि हाँ मुझे तो ये चाहिए ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जर्नी बहुत स्लो है पर बहुत ही पीसफुल है और बहुत आराम से चलने वाली जर्नी है। यहाँ पर मुझे यही लगता है, जब आपको कोई काम स्टार्ट करना होता है तो आप खुशी से करते हो और आप ये बहुत ज्यादा नहीं सोचते कि इसमें मुझे कितना कुछ देना पड़ेगा अपना, कितना कुछ आप फ्लो में चलते हो कि भगवान की तरफ से अगर संदेश आया है तो आप इसको कर लेंगे और अगर वो संदेश नहीं आपके लिए है तो आप इसको छोड़ देंगे। आप अपनी तरफ से जो एफर्ट्स हैं वो कम करते हो और ईश्वर के ऊपर ज्यादा आप बिलीव करते हो। यहाँ पर मुझे यही नजर आ रहा है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी यही बताती है कि आपको यकीन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा, स्पिरिचुअली आप बहुत कनेक्टेड हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो जानते हो कि जो मुझे मिलने वाला है वो ईश्वर से मिलने वाला है, भगवान से मिलने वाला है, और आप सरेंडर्ड हो उसकी तरफ, बहुत ज्यादा ही सरेंडर्ड हो। और आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस डेस्टिनी में, इस भाग्य को जैसे आपने चुना है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भाग्य को भाग्य ने चुना है, भगवान ने चुना है, ईश्वर ने चुना है, आपने उसे नहीं चुना। आप फ्लो के साथ चलने वाले हो, आप हमेशा सन की लाइट को देखकर खुश हो जाते हो, पानी को देखकर खुश हो जाते हो, वहां पर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, और किताबें पढ़ने के साथ आप खुश हो जाते हो, कुछ भी आपने अच्छी न्यूज पढ़ ली उसके साथ आपको खुशी मिलने लगती है। तो आप एक ऐसे पर्सन हो, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना आपको बहुत पसंद है। यहाँ पर ना दो एनर्जीज बहुत ही प्यारी है। पहली है हाई प्रिस्टेस की, जो आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करती है, आपको भगवान के साथ जोड़ती है, ईश्वर के साथ जोड़ती है, और इसके साथ साथ हायर फ्रिक्वेंसी के साथ जोड़ती है। आप में से बहुत से लोग ध्यान करते हो, आप में से बहुत से लोग भगवान को याद करने के लिए, कुछ लोग भजन करते हैं, कुछ बुक्स पढ़ते हैं, होली बुक्स पढ़ते हैं, हर एक का अपना अपना एक अलग अलग तरीका होता है। आप में से बहुत से लोग ऐसा बहुत कुछ करते हो, कुछ लोग सूर्य को जल देते हैं। तो यहाँ पर मुझे सन और मून की जो ये एनर्जीज हैं ये बता रही हैं कि आप कितना ज्यादा कनेक्टेड हो हायर फ्रिक्वेंसी के साथ। और आपको एक और बात मैं बता दूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में
अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये यात्रा तो नियत है, ये यात्रा तो तय हो चुकी है, पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो इस यात्रा में और भी ज्यादा आगे फ्लॉरिश करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो और ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हो, तो आपको अपनी विशेस को ना मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये सोच के सेटिस्फाइड होकर बैठ जाना चाहिए कि हाँ आपको तो भगवान ने जो दिया है आप खुश हैं। खुश होना बहुत अच्छी बात है, पर ग्रोथ को रोक देना अच्छी बात नहीं है। आप खुश हैं, आपकी फैमिली भी खुश है, वो चाहती है कि आप और आगे बढ़ें, तो उसमें बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। काम करना, कर्मा सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बहुत सेटिस्फाइड होते हैं कि ठीक है ना, जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, इसके आगे क्या सोचना, इसके आगे और क्या करना। पर काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, कर्मा बहुत जरूरी है। कर्म करने से ही इंसान आगे बढ़ता है और उसका फल भी उसको तभी मिलता है। तो कर्म करते रहना चाहिए, वो कर्म अच्छे की तरफ हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर अपने कर्मों को बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हो कि जीवन में ग्रोथ हो, आप और आगे बढ़ें, या आपकी फैमिली चाहती है, या आपके आसपास के लोग चाहते हैं कि आप ग्रो करें, तो आपको मैनिफेस्ट करना है। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइए और मैनिफेस्ट कीजिए उन चीजों को जो आप चाहते हो कि आपको ग्रो करने में मदद करें। जितना मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ेंगे उतना जल्दी ग्रो करेंगे, उतना जल्दी आपकी चीजें पूरी होंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि पाइल नंबर वन, जब आप किसी को ब्लेस करते हो तो आपकी ब्लेसिंग्स भी लग जाती है, और अगर आप किसी को बुरा बोलते हो ना, तो आपका जो ये बुरा बोलना है ये भी किसी को लग जाता है, किसी को हर्ट हो जाता है। आप एक ऐसे पर्सन हो, जैसे कहते हैं कि सरस्वती जुबान पर एक बार जरूर बैठती है 24 घंटों में, तो आपकी जुबान पर भी सरस्वती जरूर बैठती है। इसलिए सबके लिए अच्छा अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा अच्छा करें, सबके लिए अच्छा अच्छा बोलें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचते कि किसी के लिए नेगेटिव सोचना, आप अपने काम से काम रखने वाले इंसान हो। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि जो लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, किसी को बुरा भला नहीं कहना, किसी ने कुछ भी कह दिया कोई परवाह नहीं है, किसी ने कुछ भी कर दिया बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, अपनी एनर्जी को साथ के साथ आप बदल लेते हो। आप अगर किसी भी नेगेटिव वाइब में कभी भी जाओ ना, तो उसके बाद झट से आप सोच लेते हो कि कोई बात नहीं, मेरी एनर्जी पॉजिटिव है, मैं किसी को कैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दूं कि वो मेरी एनर्जी को खराब कर सके। तो आप एक ऐसे पर्सन हो, इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूं कि आपको मैनिफेस्ट जरूर करना चाहिए खुद के लिए, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म भी बहुत अच्छे से करना जानते हो। आप जानते हो कि ग्रो कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और आगे ग्रो करने के लिए सोचो, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य तय है, पर आप उसको ग्रो तो कर ही सकते हो। इसकी चाबी भगवान ने आपके पास दी है, ये देखिए दी है ना, गोल्डन कलर की ये की, भगवान ने बोला है, आपने इसीलिए इसको चुना है कि ये चाबी है तुम्हारे पास, तुम इसे बदल सकते हो अच्छे के लिए, ग्रो कर सकते हो खुद को। स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर भी ग्रो कर सकते हो, भगवान के साथ जुड़कर तो ग्रो कर ही सकते हो, पर साथ साथ अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना शुरू करो, साथ साथ मांगना शुरू करो जो चाहिए। क्यों नहीं मांगते? मांगने से ऐसा नहीं होता कि हम क्यों मांगे, हम में तो बहुत बड़ी ईगो है, ऐसा नहीं होता। अगर आप मांगेंगे तो आपको मिलने लगेगा। यूनिवर्स को जो चीज आप बताएंगे, जो आप शब्द बोलेंगे, वही आपके पास मुड़ मुड़ के वापस आते हैं। तो शब्द बोलना सीखिए, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को यूज करना सीखिए, यूनिवर्स को बताना सीखिए कि आपको क्या चाहिए, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आप ग्रो कैसे कर सकते हैं। डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। तो पायल नंबर वन, यहाँ पर मैंने यही देखा है कि आप इस जर्नी में आए हैं बहुत ही एक अच्छी जिंदगी को जीने के लिए। आप इस जर्नी में आए हैं एक बहुत सेटिस्फाइड जिंदगी को जीने के लिए, पर आपको ग्रो जरूर करना चाहिए और आपको इसके लिए मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को यूज करना चाहिए, ताकि आप और बढ़ सकें आगे और ग्रो कर सकें आगे। तो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग कि आपकी नियति तो तय है, पर आप इसे बदल भी सकते हो और अच्छे के लिए बदल सकते हो। तो कोशिश जरूर कीजिए, जो भी लोग चाहते हैं अपने जीवन को बदलना, ट्रांसफॉर्म करना अच्छे के लिए, वो जरूर कोशिश करते रहिए। कोशिश का नाम ही जिंदगी है, आशा का नाम ही जिंदगी है, होप हमेशा साथ साथ चलती रहनी चाहिए। और यहाँ पर सन की एनर्जी यही बताती है कि आप बहुत होपफुल है जिंदगी को लेकर, आप कभी भी नेगेटिव नहीं रहते, आप हमेशा होपफुल रहते हो। ये एक बहुत ही अच्छी बात थी, ये मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है। जब ये आता है ना, तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम करता है हमेशा, और मुझे इससे बहुत प्यार है।
तो आपके लिए ये रीडिंग कैसी रही मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट जरूर करना ताकि मैं भी ये जान पाऊं कि आप लोग ऐसी ही वीडियोस को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप क्या देखना चाहते हैं। तो आपके टॉपिक्स को भी मैं लेने की कोशिश जरूर करूंगी साथ साथ, पर मैं हमेशा एक ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ जो आपको कुछ ना कुछ आगे बढ़ने में मदद कर सके। स्टक सिचुएशंस जो हैं वो लाइफ में हमेशा चलती रहती हैं, उनसे निकलने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। चलिए पाइल नंबर 2 अब है आपके लिए ये एनर्जी। अगर आपने इस कार्ड को चूज किया है, इस ब्यूटिफुल कैसल को चूज किया है, तो अब ये रीडिंग आपकी होगी और देखते हैं कि आप कैसी जिंदगी जीने के लिए आए हैं। आपके लिए भाग्य ने खुद तय किया है, आपने क्या तय करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आया है। पाइल नंबर 2 आपके लिए मैं टैरो की मदद से देखना चाहूंगी। कनेक्टेड रहिए और बताइएगा मुझे कि रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ती हूँ और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैं उनको लाइक भी करूँ, क्योंकि आप में से मुझे लगता है पिछले की वीडियो में मैंने बोला था आप लोगों से कि आप मुझे बताना कि भगवान आपके आसपास हैं या नहीं। आप बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे जो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आप लोग कितना विश्वास करते हो, और वाकई में आप लोग बहुत विश्वास करते हो, और वाकई में जो विश्वास करते हैं उनके साथ ईश्वर हमेशा होते हैं। तो पाइल नंबर 2 चले बात करते हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल और है 10 ऑफ स्वॉर्ड, ओके 9 ऑफ कप्स, थैंक गॉड कुछ अच्छा भी बहुत ज्यादा है और बुरा भी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड, स्टार की एनर्जी, वेरी गुड, 5 ऑफ पेंटिकल। एक और कार्ड में लेना चाहूंगी, इसके बाद डिटेल करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो सबसे पहले तो आप लोग एक ऐसे पर्सन हो जो एक ऐसी जिंदगी को जी रहे हो जहां बहुत सारा पेन है, बहुत सारी परेशानियां भी हैं, कुछ फाइनेंशियली कुछ इमोशनली कुछ हर्ट हैं जो आप जिंदगी जी रहे हो। इतनी पीसफुल नहीं है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ऐसे ही चलती रहती है लाइफ हमेशा। कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत बुरा हो जाता है, और इस बहुत बुरे के साथ भी आप बहुत खुश रहते हो। आपने बहुत ज्यादा गिले शिकवे कभी नहीं किए भगवान से, आपने उनको कभी ऐसे नहीं कहा कि मैं क्यों, मेरे साथ क्यों। आज मैं आपसे एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, छोटी सी स्टोरी है, जब मैंने सुनी थी तो मेरे दिल को छू गई थी, वही स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। एक बहुत बड़े ग्रुप की ऑनर है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, नाम नहीं लूंगी यहाँ पर। एक टीवी एंकर ने उनसे पूछा कि आपके हस्बैंड की डेथ हुई, इतनी छोटी सी उम्र थी आपकी, और आपको दुख नहीं हुआ इस बात का कि आपके हस्बैंड की डेथ हुई, और एक साल के बाद आपके बेटे की डेथ हुई, जो बहुत ही दुखदायी घटना है किसी भी फीमेल के लिए कि घर से दो दो पर्सन जो आपके दिल के इतना करीब हों और वो चले जाएं। तो उस लेडी ने जवाब दिया और मेरे इमोशंस को इतना वो टच किया ना कि जब मेरे पास इतना प्यार करने वाला हस्बैंड था, इतने प्यार करने वाले भगवान ने मुझे दो बेटे दिए, अगर उस समय पर मैंने ये नहीं पूछा कि भगवान मैं क्यों, मुझे क्यों इतनी खुशियां दे रहे हो, तो मुझे ये भी पूछने का हक नहीं है कि मुझे इतने दुख क्यों दे रहे हो। हम सब लोग भी यही करते हैं, जब खुशियां मिलती हैं तो भगवान को कभी नहीं कहते कि हमें क्यों, हम क्यों। तो जब दुख मिलते हैं तो हम भगवान को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि हमें क्यों, हम क्यों है इस दुख को जीने के लिए। तो मेरे दिल को छू गई ये बात और मैंने उस दिन से ये माना कि वाकई में हम लोग ऐसा कभी नहीं करते कि हम क्यों हैं, हमें क्यों कितनी खुशियां दे रहे हो, हमने ऐसा क्या किया है, क्या इतने बड़े बड़े हमने काम किए हैं जो हमें इतनी खुशियां मिल रही हैं। तो ये स्टोरी मैं आपसे शेयर करते करते खुद भी थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ। तो ऐसा होता है अक्सर कि हम लोग जो जीवन जीने के लिए आते हैं उसमें कभी ये महसूस नहीं करते कि हमारे लिए खुशियां क्यों हैं। तो आपकी डेस्टिनी भी कुछ ऐसी है, कुछ आपकी जर्नी भी ऐसी है कि कभी बहुत ज्यादा दुख मिलता है, कभी बहुत खुशी मिलती है, पर आप सम रहते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जब फाइनेंशियली भी कभी बहुत ज्यादा टूटते हो तब भी आप बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते, सेटिस्फाइड रहते हो कि कोई बात नहीं, चलो अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते रहते हैं।
और यही इम्पॉर्टेंट लेसन जो आपने सीखा है अपनी जिंदगी से, यही आपकी डेस्टिनी आपको सिखा रही है। आपने बहुत से लेसन सीखे हैं, आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिले हैं जो धोखा देकर गए हैं, जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, पर आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है, फाइनेंशियली बहुत बड़ा धोखा दिया है, यहाँ पर मुझे लगता है कि किसी के साथ आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और या किसी के कोई प्रॉपर्टी का केस था और किसी ने आपको धोखा दे दिया। बहुत सारे लोगों के साथ ये बात होती है अक्सर, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी मैटर भी नजर आ रहा है कि घर में प्रॉपर्टी का इशू था, भाई ने भाई को धोखा दे दिया, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है या किसी रिश्तेदार ने ऐसा किया है, पर आपने कभी बदला लेने की बात नहीं सोची, ऐसी भावना नहीं रही आपकी। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसा तो आने जाने खेल है, चला गया कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। तो एक सेटिस्फेक्शन आपके मन में हमेशा रहती है, आप एक स्टार हो, आप हमेशा भगवान के बहुत क्लोज हो, आप हमेशा एक ऐसे पर्सन हो, अगर मांगते हो तो भगवान से मांगते हो, ईश्वर से मांगते हो। ये आपकी एक बहुत प्यारी एनर्जी है जो आपको क्लोज रखती है हमेशा भगवान के, कि हाँ आप उनके बच्चे हो और बहुत क्लोज महसूस करते हो आप उनको। तो ये जैसे पाल नंबर 1 में भी मैंने यही देखा था कि ये जो सेंट्रल एनर्जी थी ना, ये बहुत क्लोज थी ईश्वर के। तो हम लोग कितना क्लोज रहते हैं ईश्वर के, पर कभी कभी महसूस करना भूल जाते हैं। तो ये आपके लिए भी निकल कर आया है। मुझे बहुत ही मजा आता है, खुशी होती है जब हम एक ऐसी पावर को साथ रखकर चलते हैं। हम इंडियंस में यही एक खूबसूरती है कि हम हमेशा एक सुपर पावर को साथ लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा सर्वाइव करते हैं। इतनी बड़ी मूवमेंट भी आ जाए हम सर्वाइव कर जाते हैं, इतनी बेकार मूवमेंट भी आ जाए, नेगेटिव भी हो जाए कुछ भी, तब भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। हम इतने हार्ड पर्सन हैं, हम इतने हार्ड लोग हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके लिए एक बात बताऊं कि डेस्टिनी आपको ये कह रही है कि इस नियति के लिए जो आप जीने के लिए आए हैं, आपको बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आगे मिलने वाले हैं। जिंदगी को जीने के लिए आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में हो और बहुत इमोशनल हो, बहुत सेटिस्फाइड हो, जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से जीना चाहते हो। पर आपको एक बात ये मैं जरूर कहूंगी कि अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन से निकल कर ना कुछ और सोचो, थोड़ा सा कुछ और सोचो, जिससे आप और ज्यादा पीस की तरफ आगे बढ़े। क्योंकि दुख बहुत सारे झेले हैं आपने, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दुख झेल कर बैठ चुके हैं, सेटिस्फाइड है कि जिंदगी जैसी चल रही है ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें आपको कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। तो परेशानियों को मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको ढूंढना सीखो, पर उनसे निकलने के लिए रास्ते ढूंढना तो बहुत जरूरी है। परेशानियों में बैठकर तो जिया नहीं जा सकता। अगर आपकी भाग्य में कुछ परेशानियां लिखी हैं तो उनको आप खुद निकाल सकते हो बाहर, उनसे, उस दर्द से आप खुद गुजर सकते हो। तो यहाँ पर यही मैसेज है आपके लिए कि कोई आपको निकालने के लिए कोशिश करेगा, आप विश कर सकते हो, अपनी विशेष को पूरा करने के लिए आप कोशिश कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर है विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज, दो एक नहीं दो आप अगर मैनिफेस्ट करेंगे, अगर आप कुछ मांगेंगे तो आपको जरूर मिलने वाला है। यहाँ पर स्टार की एनर्जी भी यही बताती है कि जितना आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहेंगे और ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे, उनसे मांगेंगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो यही एनर्जी मुझे एक सेटिस्फेक्शन देती है जब आपकी डेस्टिनी में वो चीजें लिखी हैं, क्योंकि भाग्य ने आपको चुना है। आपने अपने लिए तो जिंदगी नहीं चुनी, हम कोई भी अपने लिए जिंदगी ऐसी नहीं चुनते जैसे हम होते हैं, वो भाग्य ही चुनता है, भगवान ही चुनते हैं या हमारी पिछले कर्म चुनते हैं। तो कुछ लोगों के लिए अगर कोई पास्ट एनर्जी है साथ में, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों के साथ पास्ट एनर्जीज चल रही है, तो इनसे, इस कार्मिक जो डेट्स हैं, इनसे निकलने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कोशिश कैसे की जा सकती है, ताकि आपके कर्म कट जाए, आपको रिलीज करने के लिए हेल्प मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्यार का मैसेज बांट सकते हो, आप और बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हो, जैसे दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की केयर करना, दूसरों के साथ मिलकर चलना, प्यार बांटना। और इसके साथ साथ और इम्पॉर्टेंट मैसेजेस भी मैं एक दो आपके लिए ले लेती हूँ, ताकि आपको और पता चले कि आप कैसे अपनी इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, जो इसलिए है क्योंकि ये बार बार ना आए। अगर आपको कार्मिक, देखिए पहला ही कार्ड जो है वो निकल आया, मैं देखती हूँ यहाँ पर है चैरियट, तो यहाँ पर भी यही है कि आप अपने कार्मिक सिचुएशन से निकलने के लिए अपनी विल पावर को स्ट्रांग करें और कोशिश करें कि आप इससे निकल जाएं। ये आपके कर्मों की ही एनर्जी है,
इस जीवन में आपको अपने कर्मों को सुधारना है, इस जीवन में आपको अच्छे कर्म करने हैं, इस जीवन में आपको वो करना है जो शायद आपके भाग्य में नहीं है पर आपको खुद करना है। आप खुद सोचिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जो इस कार्मिक सिचुएशन से आप बाहर आए और इस दर्द से गुजर जाए। देखिए डेस्टिनी में अगर ऐसा कुछ है तो हम अपनी विल पावर को स्ट्रांग करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मुझे विश फुलफिलमेंट की नजर आ रही है एनर्जी, तो आप विशेस को मांगिए भगवान से, ईश्वर से, और आपकी विशेस जरूर पूरी होंगी पर कर्म आपको करने पड़ेंगे। आपको कर्म ऐसे करने पड़ेंगे जो आपकी जिंदगी को आगे सुधार दें और आपको फिर से उस कार्मिक सिचुएशन में ना आना पड़े। तो ये है आपकी एनर्जी। अगर आप चाहते हैं कि इस सिचुएशन से आप बाहर आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना कि आप में से कौन कौन से लोग इस सिचुएशन में हैं, इस सिचुएशन में आप गुजर रहे हैं, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि ये जो मैंने रीडिंग की है आप लोगों के साथ कितना रेजोनेट हुई है और कितना आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो। आपको सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा और रास्ते जरूर दिखाई देंगे। तो ये है पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग के, आपके लिए भाग्य ने क्या तय किया है और आपको आगे क्या तय करना है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि यहाँ पर आपको अगर किसी ने धोखा दिया है, अगर किसी ने दर्द दिया है तो उस एनर्जी से बाहर कैसे आना है और आपके कार्मिक सिचुएशन से आपको बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कार्मिक ही ज्यादा नजर आ रहा है। आप अगर अपनी कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो आपको समझ में सब बातें आ जाएंगी। वो निकलने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने की जरूरत है, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करने की जरूरत है और सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको विश करने की जरूरत है। तो ये दो एनर्जीज यही प्रोमिनेंटली बता रही हैं कि सिचुएशंस तो बहुत सारी होती हैं, कभी दर्द देती हैं, कभी खुशी देती हैं, पर आपको इनसे निकलना आना चाहिए और वो आपकी अंदर की पोटेंशियल है, आप निकल सकते हो, आप बहुत आराम से निकल सकते हो। बस आपको विश करना है, भगवान के सानिध्य में जाकर ये कहना है कि मैं इसके लिए नहीं हूं, मेरे कर्म बंधनों को काट दो और मैं आगे निकल जाऊं। तो ऐसा अगर आप विश करेंगे तो जरूर आप निकल पाएंगे। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर बताना आपको रीडिंग कैसी लगी। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।